मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने नशा मुक्ति के कार्यक्रम के दौरान जो सलाह दी वो सवालों के घेरे में आ गई है। मंत्री ने पत्नियों को नसीहत देते हुए कहा कि पति से घर पर शराब पीने को कहें। उनका मानना है कि ऐसा करने से न केवल शराब पीने की लिमिट कम होगी बल्कि शर्म से पति शराब पीना भी छोड़ देगा। नारायण सिंह कुशवाहा का कहना था कि हमने कई उदाहरण देखे हैं जबकि पति ने ऐसा करने पर शराब छोड़ दी। मजाक के अंदाज में उन्होंने कहा कि पतियों में जो है बेलन का डर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इसमें योगदान है घर की माता और बहनों का। माता बहनें चाहे कि मेरा पति दारू ना पिए, पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं मत पियो, आप तो ले आओ वो खाना खाओ मेरे सामने, सामने पिएंगे उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा, उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के। नारायण सिंह कुशवाहा के नशा मुक्ति के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता का कहना है कि घर में शराब पीने की नसीहत महिला के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देगा। कांग्रेस ने मंत्री से बयान की माफी की मांग भी की है। बयान पर घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि यदि महिलाओं को आप ये सलाह देंगे कि घर में पुरुष आए और बाहर से खरीदें और घर में आकर लें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यदि घरेलू हिंसा के मामले हो रहे हैं तो वो इन्हीं कारणों से हो रहे हैं क्योंकि नशा इसका मुख्य कारण है। और आप नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, आपको तो शराबबंदी करना चाहिए थी। तो मंत्री जी का ये जो बयान है बहुत ही अजीबोगरीब बयान है और मुझे लगता है कि उन्हें इस बयान को वापस लेना चाहिए, महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। विदिशा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बता दें सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा पहुंचे हैं ऑफिस और ऐसे डीओ से बोले हैं कि बीजेपी विधायक हमारे क्षेत्र के किसानों से ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। ऐसे डीओ के सामने फर्श पर बैठे दिखे थे किसान। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वीडियो ट्वीट किया था। और अब बात खंडवा की जहां चलते ट्रक के टायर में